नमस्कार, मैं हेमंत बघेल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मुगल वंश के चौथे शासक जहांगीर के विषय में, जो कि बादशाह बनने से पहले उनका नाम था सलीम। तो हम लोग बात करेंगे आज शहजादा सलीम के विषय में, मतलब कि जहांगीर के राज्याभिषेक तक, जब उसके पिता अकबर शासन कर रहे थे उस समय सलीम कैसा था, अकबर के साथ उसका क्या कुछ हुआ। जैसा कि हम पढ़ते हैं कि सलीम ने अपने पिता के समय में विद्रोह किया था, तो क्या कुछ घटनाक्रम घटित हुआ था इस काल में, और सलीम का जन्म कब हुआ, और दूसरी महत्वपूर्ण चीजें। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस टॉपिक को, शहजादा सलीम, जो आगे चल करके जहांगीर के नाम से मुगल वंश का चौथा शासक हुआ सलीम। इसका जो जन्म हुआ था वो था 30 अगस्त 1569 को, और ये जो है अकबर का सबसे बड़ा पुत्र था। ऐसा कहा जाता है कि अकबर को कोई संतान नहीं हो रहे थे, हालांकि उसने उसकी कई सारी पत्नियां थी। उसकी जो सबसे पहली पत्नी थी रुकैया बेगम, उसके बाद वो सलीमा बेगम से भी विवाह करता है बैरम खां की विधवा से, इसके बाद आमेर की राजकुमारी हरका बाई से भी विवाह करता है, लेकिन इनसे जो है उसको कोई पुत्र प्राप्त नहीं हो रहा होता है। तो इसी समय अकबर का झुकाव जो है सूफीवाद की ओर जाता है, और वो जो है निरंतर अजमेर भी जाता है। अजमेर में जो शेख मुइनुद्दीन चिश्ती जी का दरगाह है वहाँ पर भी जाता है वो मत्था टेकने के लिए। तो कहीं से मतलब ना कुछ हो नहीं रहा होता है, तो ऐसे में ही अकबर को एक सूफी संत के विषय में जानकारी मिलती है, जो कि आगरा से कुछ ही दूरी पर सीकरी नामक गांव पर रह रहे होते हैं, जिनका नाम था शेख सलीम चिश्ती। तो अकबर जो है सीधा उनके पास पहुंच जाते हैं अपने पत्नी वत्नी को लेकर के। तो ऐसा कहा जाता है कि अकबर को शेख सलीम चिश्ती द्वारा आशीर्वाद दिया गया कि उसको जो है पुत्र होगा, और फिर आगे चल करके 30 अगस्त 1569 को हरकाबाई, जो कि आमेर की राजकुमारी थी, राजा भारमल की बेटी थी, उसके गर्भ से सलीम का जन्म होता है। डेट याद रखेंगे, 30 अगस्त 1569 को सलीम का जन्म हुआ था, और ये वर्ष है ना अकबर के शासनकाल का 13वां वर्ष था। अगर कभी ऐसे भी पूछ ले कि सलीम का जन्म अकबर के शासनकाल के किस वर्ष हुआ था, तो 13वें वर्ष, अकबर के शासनकाल के 13वें वर्ष। जैसे कि हम लोग अशोक के विषय में पढ़ते हैं कि अशोक के शासन के 8वें वर्ष ये हुआ था, 3रे वर्ष ये हुआ था, उस टाइप से। तो ऐसे भी आप लोग ध्यान रखेंगे। तो हरकाबाई, जो कि आमेर के राजा भारमल की पुत्री थी, भगवान दास की बहन थी, उसके गर्भ से सलीम का जन्म हुआ। तो जब सलीम का जन्म होता है तो अकबर अपनी पत्नी हरकाबाई को मरियम उज जमानी का खिताब देता है, मतलब कि उसको जो है मरियम उज जमानी उपाधि से नवाजता है, मतलब कि उसने अकबर को उसका वारिस दे दिया है, मुगलों को अगला उत्तराधिकारी दे दिया, ऐसा कुछ समझ करके। तो ध्यान रखेंगे, तो माता हरकाबाई अथवा मरियम उज जमानी, और इसी को जो है जोधाबाई भी कहा जाता है आगे चल करके। हालांकि मैंने बताया था कि जोधाबाई जैसा कोई किरदार मुगलों के समय में देखने को नहीं मिलता है। तो हरकाबाई माता थी, अकबर इसका पिता था। तो अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज बताना रह रहा है, जैसे कि मैंने बताया कि शेख सलीम चिश्ती, इनके आशीर्वाद से सलीम का जन्म हुआ था, इसी कारण से सलीम का नाम क्या रखा गया, सलीम नाम रखा गया। असल नाम ना सलीम था जहांगीर का, वो तो बाद में जब वो मुगल वंश का शासक बना, जब उसका राज्याभिषेक होता है तो उस टाइम पर वो जो है जहांगीर के नाम से बादशाह बनता है, शासक बनता है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। असल नाम क्या था, सलीम। सलीम नाम किन से पड़ा था, शेख सलीम चिश्ती था, क्योंकि उन्हीं के आशीष से इसका जन्म हुआ था, और अकबर ने शेख सलीम चिश्ती के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने हेतु ही अपने बच्चे का नाम सलीम रखा, और साथ ही साथ जो उनका सीकरी गांव था वहां पर अपनी राजधानी बनाई, एक नए भव्य नगर की स्थापना की, जिसको फतेहपुर सीकरी के नाम से जाना जाता है। अकबर खुद तो निरक्षर था, लेकिन उसने अपने बेटे सलीम के शिक्षा दीक्षा की संपूर्ण व्यवस्था की। उसने बैरम खां के बेटे, जिसका नाम था अब्दुल रहीम खान खाना, मैंने बताया कि अकबर ने बैरम खां की विधवा सलीमा बेगम से विवाह कर लिया, और उसका जो बेटा था अब्दुल रहीम उसको अपना धर्म पुत्र समझ करके पालन पोषण किया, और उसकी शिक्षा दीक्षा का उचित व्यवस्था किया। आगे चल करके यही अब्दुल रहीम एक बहुत बड़े विद्वान के रूप में उभर कर सामने आता है। तो जब
सलीम के शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की जाती है। जब वो पढ़ने लिखने लायक हो जाता है तो उसके गुरु के रूप में अब्दुल रहीम खाने खाना को नियुक्त किया जाता है। तो सलीम का गुरु कौन था? अब्दुल रहीम खाने खाना। इसके अलावा एक और व्यक्ति को नियुक्त किया गया था जो कि सलीम को गणित पढ़ाता था। फिलहाल मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है। अगर आप में से किसी को उसका नाम पता हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, नहीं तो मैं आने वाले वीडियोज में आपको उसका नाम जरूर बताऊंगा। तो इसकी जो शिक्षा है बड़े अच्छे तरीके से हुई थी। और ये जो है ना सलीम, ये फारसी, तुर्की, अरबी, गणित, भूगोल, इतिहास, हिंदी, इसके अलावा दूसरे बहुत सारे विषयों का ज्ञाता था। इसके अलावा इसके सैन्य शिक्षा का भी उचित प्रबंध किया गया था। क्यों? राजकुमार है, आगे चल करके इसको बादशाह बनना है तो सैन्य शिक्षा में इसको पारंगत होना ही पड़ेगा। तो बचपन में ही इसके लिए जो है सैन्य शिक्षा की उचित व्यवस्था की गई और काफ़ी कम आयु में ही सलीम जो है एक कुशल सैनिक के रूप में परिणत हो गया। मतलब कि इसने जो है सैन्य शिक्षा को भी अच्छे प्रकार से सीखा। तो इस प्रकार से सलीम के शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की गई। अब हम लोग बात करते हैं सलीम का विवाह। तो देखिए, सलीम का जो पहला विवाह हुआ था ना, वो हुआ था 1585 में। 1585 में मतलब कि सलीम मात्र 16 वर्ष का था और उसका जो है विवाह कर दिया गया। वैसे मैंने बताया था कि अकबर जब 9 वर्ष का था तब उसका विवाह कर दिया गया था। हालांकि कई सारे पुस्तकों में उसको मंगनी बोला जाता है, बाद में 14 वर्ष की आयु में उसका विवाह हो गया था। तो जब ये 16 वर्ष का हुआ सलीम 1585 में, तो इसका विवाह किया गया जो आमेर के राजा थे भारमल, उसके बेटे थे भगवान दास। तो भगवान दास की बेटी जिसका नाम था मानबाई, मतलब कि इसकी जो माँ थी इसकी जो माँ थी हरकाबाई, उसके भाई की बेटी थी मानबाई, मतलब इसके मामा की बेटी थी मानबाई। तो उसके साथ 1585 में सलीम का विवाह होता है और सलीम जो है मानबाई को शाह बेगम की उपाधि दे रखा था। ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है शाह बेगम किसको बोला जाता था सलीम के द्वारा। वही मानबाई का नाम जो है मंभावती बाई भी मिलता है, मंभावती बाई, ध्यान रखेंगे। और ये जो है सलीम की पहली पत्नी थी। और ये जो विवाह हुआ था सलीम और मानबाई का, ये हिंदू और मुस्लिम दोनों रीति रिवाजों से हुआ था। जैसे अकबर और हरकाबाई का विवाह हुआ था हिंदू और मुस्लिम रीति रिवाजों से, ठीक उसी प्रकार से सलीम का पहला विवाह भी हिंदू और मुस्लिम दोनों रीति रिवाजों से हुआ था। तो मानबाई, याद रखेंगे, भगवान दास की पुत्री थी और मानसिंह इसका भाई था। मानसिंह वही जो हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था, इसके अलावा दूसरे कई सारे अभियानों में उसने अकबर की सेना का नेतृत्व किया था। तो जो मानसिंह है वो सलीम का साला था, ऐसे याद रखेंगे इस चीज को भी। तो मानसिंह मानबाई के साथ विवाह हुआ। उसके बाद इसका जो दूसरा विवाह हुआ वो हुआ था जगत गोसाई। जगत गोसाई जो कि जोधपुर या फिर कह सकते हैं मारवाड़, वहां की राजकुमारी थी। उस समय जोधपुर के राजा थे उदय सिंह। उदय सिंह जिनको मोटा राजा उदय सिंह के नाम से भी जाना जाता है, मोटा राजा उदय सिंह, तो उनकी बेटी थी जगत गोसाई। और जगत गोसाई के साथ सलीम का विवाह कब हुआ? तो 1586 में। मतलब देखिए, 1585 में मानबाई के साथ विवाह हुआ, उसके एक वर्ष बाद ही जगत गोसाई जो कि जोधपुर की राजकुमारी थी, उदय सिंह की बेटी थी, उसके साथ विवाह हुआ। और ऐसा कहा जाता है कि जब सलीम का जो जगत गोसाई के साथ विवाह हो रहा था तो इसकी जो सारी व्यवस्था है वो मानबाई द्वारा किया गया था। मतलब उसकी जो पहली पत्नी थी वही खुद अपने पति के दूसरे विवाह में उत्साहपूर्वक सारी व्यवस्था कर रही थी, ध्यान रखेंगे इस चीज को। और ये जो जगत गोसाई है ना, इसका एक नाम मिलता है मानमती, और चूंकि ये जोधपुर से आती थी इसी कारण इसको जो है जोधाबाई भी कहा जाता था। जो हम लोग, आप लोग जो पूछ रहे थे कि जोधाबाई और अकबर का विवाह हुआ था, असल में अगर हम देखा जाए तो जो जोधाबाई है वो जहांगीर मतलब सलीम की पत्नी थी। वैसे इसका नाम जोधाबाई नहीं था, ये जोधपुर की है, इस कारण से उसको जो है कई बार जोधाबाई कहा गया है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। जगत गोसाई का जो दूसरा नाम है मानमती, इसके अलावा एक और नाम मिलता है लाल साहिबा।
लाल साहिबा। अच्छा यहाँ एक चीज ध्यान रखेंगे कि जो मानबाई है ना, इससे सलीम को एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम था खुसरो, जो आगे चल करके सलीम के खिलाफ विद्रोह भी कर देता है। और मानबाई, इसकी मृत्यु हुई थी 1604 में, इसने आत्महत्या कर ली थी। क्यों? क्योंकि ये जो सलीम था बहुत ज्यादा शराब पीता था और अपने पिता के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, तो उन सब चीजों से परेशान हो जाती है और 1604 में आत्महत्या कर लेती है, जिसको कि सलीम ने शाह बेगम की उपाधि दे रखी थी। वही जो जगत गोसाई है, ये 1619 में इसका डेथ हुआ था, 1619 में। और जब इसकी मृत्यु हुई ना, तो इसको एक उपाधि दी गई मरने के बाद, बिल्किस मकानी। बिल्किस मकानी याद रखिएगा, ये भी पूछा जाता है, बिल्किस मकानी इसको मरने के बाद कहा गया। और इसका जो समाधि है वो सुहागपुर में है। बिल्किस मकानी किसको उपाधि दिया गया? जगत गोसाई को। और जगत गोसाई को ही सलीम ने मल्लिकाए हिंदुस्तान घोषित किया। मतलब कि जब सलीम बादशाह बता, तो उस समय उसने जो है जगत गोसाई को मल्लिकाए हिंदुस्तान घोषित किया। मतलब ये जो है हिंदुस्तान की मल्लिका बनी। और एक विशेष चीज याद रखेंगे कि जहांगीर का जो उत्तराधिकारी था शाहजहां, उसका जन्म हुआ था जगत गोसाई के गर्भ से। तो मानबाई से खुसरो और जगत गोसाई के गर्भ से जन्म हुआ था खुर्रम का। खुर्रम ही आगे चल करके शाहजहां के नाम से मुगल वंश का पांचवा शासक बना। तो दोनों रानियां इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। इनका कब विवाह हुआ, इनकी मृत्यु कब हुई, इनको क्या उपाधियां दी गई थी, ये भी आप लोगों को याद रखना है। मानबाई शाह बेगम इसको उपाधि दिया था सलीम ने। उस बार जो जगत गोसाई, जिसको मानमती भी कहा जाता था, इसको उसने मल्लिकाए हिंदुस्तान घोषित किया 1605 में, क्योंकि उस समय तक नूरजहां का एंट्री नहीं हुआ था। आगे चल करके तो नूरजहां ही सब कुछ हो जाती है। और जगत गोसाई का बेटा था खुर्रम, जो कि आगे चल करके शाहजहां के नाम से मुगल वंश का अगला बादशाह बनता है। सलीम अपने परिवार के लोगों से, चाहे उसके पिता हो, चाहे उसकी माता हो, उसकी पत्नी हो, उसके भाई हो, या फिर उसके बच्चे हो, वो जो है उनसे बहुत ज़्यादा स्नेह करता था। और यही कारण है कि जब मानबाई का मृत्यु हुआ, जब मानबाई ने आत्महत्या कर ली 1604 में, तो वो जो है लगभग 4 दिन तक बेसुध पड़ा रहा बिना खाए पिए। वैसे वो अपने पिता से बहुत ज़्यादा स्नेह करता था, लेकिन उसने अपने पिता के विरुद्ध विद्रोह किया। हालांकि बाद में उसको इसका पश्चाताप भी होता है। तो ये जहांगीर, मतलब सलीम के विषय में कुछ प्रारंभिक चीजें थी। अब हम लोग देख लेते हैं अकबर के साथ इसका किस टाइप से रिलेशन था अकबर और सलीम के बीच में। तो ये सारा कुछ याद रखिएगा अकबर के, सॉरी सलीम की पत्नियों के विषय में और उसके बच्चों के विषय में। नूरजहां, जो कि आगे आएगी, वो जब वो बादशाह बन जाएगा तो नूरजहां का एंट्री बाद में होगा, तो उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिर नूरजहां जो है सलीम के ऊपर हावी हो जाती है। तो अकबर के साथ इसका किस तरह का संबंध था, उसको अब हम लोग देख लेते हैं। तो अकबर, चूंकि उसको बड़े मन्नतों के बाद सलीम का जन्म हुआ था, तो जाहिर सी बात है वो अपने बेटे को बहुत लाड़ प्यार करेगा, तो उसके शिक्षा दीक्षा के लिए उसने उचित प्रबंध कर रखा था। लेकिन ये जो है सलीम, लाड़ प्यार के कारण बहुत ज़्यादा बिगड़ गया और काफ़ी छोटी आयु से ही ये जो है शराब पीने लग गया था। साथ ही साथ ये जो है अफीम खाने का शौकीन था, मतलब कि दारू पीना, गांजा फूकना, ये इसका आदत बन गया था। मैंने बताया था कि जो सलीम के जो दूसरे भाई थे, जैसे कि मुराद हो गया, इसके अलावा दानियाल हो गया, वो लोग भी बहुत ज़्यादा शराब पीते थे और दोनों जो है दक्षिण में विजय अभियान के लिए गए हुए थे और वहाँ शराब पीने के कारण ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो वैसे ही सलीम, ये भी जो है बहुत ज़्यादा शराब पीता था, साथ ही साथ अफीम भी खाया करता था। तो ये इसमें जो है सबसे बड़ी कमी थी। तो देखते हैं आगे। फिर 1577 में क्या हुआ, सलीम 8 वर्ष का था मात्र, और इस समय अकबर ने क्या किया, सलीम को 10,000 मनसब दे दिया, 10,000 का मनसबदार बना दिया। देखिए मनसब क्या होता है, हम लोग जब मुगलों की सैन्य नीति पढ़ेंगे तो उस टाइम पर पढ़ेंगे, अभी बस ऐसे ही बता देता हूँ कि जो मनसबदार है इनका उस सेना से संबंधित पद होता था, जितना बड़ा संख्या होता था उतना उसका ओहदा जो है बड़ा होता था, और 10,000 जो है बहुत बड़ी संख्या होती थी, बहुत बड़ा पद होता था। तो 1577 में जब सलीम मात्र 8 वर्ष का था, तो अकबर ने सलीम को 10,000 सैनिकों का मनसबदार बना दिया। इसके बाद 1585 में क्या हुआ था, सलीम का विवाह हुआ था मानबाई के साथ, 16 वर्ष का था। तो इस वर्ष जो है अकबर ने मनसबदारी में उसको
पदोन्नत कर दिया, उसका जो है क्या कहेंगे प्रमोशन कर दिया और उसको जो है बना दिया 12,000 सैनिकों का मनसब बना दिया, मनसबदार 12,000 सैनिकों का मनसबदार बना दिया। आप लोगों को डेट याद रखना है 1577 में 10,000 का मनसबदार, 1585 में 12,000 का मनसबदार। तो इस तरह से था, तो 16 वर्ष की आयु में उसका पदोन्नति हो गया। 1598 तक पिता पुत्र का जो रिश्ता था वो काफी अच्छा था, मतलब कि दोनों के बीच ठीक ठाक बन रहा था। जो सलीम है अकबर का विश्वास पात्र बना रहा, भरोसेमंद बना रहा, कब तक 1598 के बाद। इसके बाद जो है ना दोनों के बीच, पिता पुत्रों के बीच स्थिति बिगड़ने लगी, संबंध बिगड़ने लगे। कारण क्या था कि जो अकबर है वो बूढ़ा हो रहा था, वही जो सलीम है वो युवा हो चुका था और उसको जो है जल्दी से जल्दी बादशाह बनना था। तो कहीं ना कहीं वो जो है उतावला हो रहा था, तो चीजें जो है यहीं से खराब होना चालू हो जाती है। तो 1598 में क्या हुआ था, अकबर को दक्षिण जाना होता है। 1598 उसने वो इस समय जो है दक्षिण भारत को जीतने में लगा हुआ था। उसके जो दो बेटे थे मुराद, वो तो पहले ही दक्षिण में मर गया था 1597 में दारू पीने के कारण। और इस समय दानियाल होता है अब्दुल रहीम खान खान अक्सर दक्षिण में, तो उनका हेल्प करने के लिए अकबर को जाना था कहां, दक्षिण में। वो अहमदनगर का घेरा डाल के बैठे हुए होते हैं तो उस टाइम पर। तो 1598 में अकबर जो है दानियाल की मदद करने के लिए दक्षिण जाता है और इधर जो है सलीम को आदेश देता है कि तुम जो है आगरा को ध्यान रखो, आगरा की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, मैं दक्षिण को जा रहा हूँ, इस टाइप से। तो ठीक है, वो फिर रहता है मतलब आगरा में। तो इसी बीच वो उसके जो दोस्त वोस्त लोग उसको बहका देते होंगे। फिर समय आता है 1599 का, तो अकबर जो है आ जाता है वापस। अब इस समय क्या होता है 1599 में, तो जो सलीम है अजमेर में होता है इस समय। अब उसको मनसबदार भी बना दिया गया है, 12,000 का मतलब उसके आसपास सैनिक भी हैं उसके अधिकार में। तो वो जो है अपने सैनिकों के साथ, अपने साथियों के साथ अजमेर से इलाहाबाद आ जाता है अकबर के, अकबर को बिना बताए, या फिर ये कहें अकबर की बिना आज्ञा से। तो इससे जो है अकबर बहुत ज़्यादा नाराज हो जाता है कि बिना बताए तुम कैसे अजमेर को छोड़ करके इलाहाबाद आ गए। तो इससे अकबर सलीम के ऊपर बहुत ज़्यादा नाराज होता है। लेकिन इसी समय 1600 ईस्वी में बंगाल और बिहार में विद्रोह हो जाता है। अब अकबर जो है सलीम को आदेश देता है कि तुम जो है इलाहाबाद में हो और तुम बंगाल बिहार के काफ़ी नज़दीक हो, तो तुम जो है बंगाल बिहार में जो विद्रोह खड़ा हुआ है उसका दमन करने के लिए जाओ। उतना कोई बड़ा विद्रोह नहीं था, तो वो जो है सलीम को भेजना चाहता है जो कि इलाहाबाद में। लेकिन वो जो है अकबर की आज्ञा को अनसुना कर देता है, बिल्कुल कुछ मतलब ध्यान ही नहीं देता है। वो जो आदेश भेजता होगा ठीक है सुन लिया, लेकिन वो जो है बंगाल बिहार नहीं जाता है, इलाहाबाद में ही रुका रहता है। और यहां पर वो जो है इस समय स्वतंत्र शासक के रूप में शासन करने लगता है, मतलब कि स्वतंत्र शासक के रूप में व्यवहार करना चालू कर देता है। और वो जो है किसी प्रकार से बिहार से 30,00,000 रुपए अपने पास हस्तगत करने में कामयाब हो जाता है। मतलब देखिए बिहार बंगाल उनके अधिकार में था, हालांकि उस समय विद्रोह हुआ था, उतना कोई बड़ा विद्रोह नहीं था। तो वो जो है सलीम किसी प्रकार से जो बिहार से प्राप्त होने वाली आय का 30,00,000 रुपए अपने पास रख लेने में वो कामयाब हो जाता है। मतलब कि बिहार से प्राप्त होने वाली आय का 30,00,000 रुपए वो जो है हस्तगत कर लेता है। और साथ ही साथ सलीम के जो साथी होते हैं, जो उसका समर्थन कर रहे होते हैं, उनको बड़ी संख्या में जागीरें बांटना चालू कर देता है, ताकि वो जो है आने वाले समय में सलीम का साथ दे सके। अब ये चीज जब अकबर को पता चलती है, तो वो फिर बड़ा गुस्सा हो जाता है कि मैंने तुमको बंगाल बिहार भेजा, तुम वहां नहीं गए, बिहार का 30,00,000 रुपया हड़प लिए, जागीरें बांटने लग रहे हो, तो जाहिर सी बात है गुस्सा होना। तो अकबर जो है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जब सलीम ये सब चीज कर रहा था, उस समय अकबर दक्षिण भारत में होता है। वो जो है असीरगढ़ को जीतने में लगा हुआ था। वो जो है वहाँ पर अपना काम शीघ्र निपटा करके वापस आगरा आता है और यहाँ पर सारी चीजों का उसको पता चलता है। इसी बीच सन 1602 में सलीम अकबर को एक पत्र लिखता है और वो बोलता है उस पत्र के माध्यम से कि मैं जो है बादशाह के सामने उपस्थित होना चाहता हूँ। और साथ ही साथ वो उस पत्र के माध्यम से ये भी बोलता है कि मेरे द्वारा जिन लोगों को भी जागीरें दी गई है उनको स्थायी किया जाए, मतलब कि उनकी जागीरें उनसे न छीनी जाए। तो अकबर जो है बुला लेता है, मतलब कि मान जाता है ठीक है तुम आ जाओ। और फिर
सलीम फिर अकबर के पास आता है, आगरा में आता है और अकबर से माफ़ी मांगता है। तो अकबर जो है सलीम को माफ़ कर देता है और साथ ही साथ सलीम को बंगाल और बिहार का सूबेदार घोषित कर देता है। लेकिन सलीम जो है बंगाल और बिहार न जाकर के फिर से विद्रोही गतिविधियों में लग जाता है। अब क्या करता है सलीम, अपने नाम से सिक्के ढलवाना चालू कर देता है। देखिए उस समय क्या था कि पूरे सल्तनत में, पूरे मुगल साम्राज्य में बादशाह के नाम के सिक्के चला करते थे, अकबर के नाम के। अकबर ने जिन भी राज्यों को अपने अधीन किया है, अगर वहाँ के राजा वहाँ शासन कर रहे हैं अकबर की अधीनता स्वीकार करते हुए, तो उनको भी सिक्के ढालने का अधिकार नहीं होता था। उनके राज्यों में भी अकबर द्वारा ढाले गए अकबर के नाम वाले सिक्के ही चलते थे। तो जब अकबर को पता चलता है कि सलीम अपने नाम के सिक्के ढलवा रहा है, तो इससे अकबर बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है। अब वो विचार करने लगता है कि आखिर क्या किया जाए। तभी उसको अपने मित्र, अपने विशेष सलाहकार अबुल फजल की याद आती है, जो कि इस समय दक्षिण में होता है, क्योंकि अकबर वापस आ गया दक्षिण से। तो वो अबुल फजल को भेज देता है ताकि वहाँ पर वो स्थिति को संभाल सके। तो अबुल फजल को सारा चीज़ बताता है कि ऐसा ऐसा हो गया है, तुम जो है जल्दी से आगरा पहुँचो। अब ये चीज़ सलीम को भी पता चलता है कि अबुल फजल को दक्षिण से आगरा बुलाया जा रहा है। अब सलीम जानता है कि अबुल फजल अकबर का बहुत ज़्यादा खास है, अकबर का बहुत ज़्यादा विश्वास पात्र है, सलाहकार है। और यहाँ पर सलीम के दोस्त सलीम को भड़काना चालू कर देते हैं कि तुम्हारे पिता तुम्हारे विरुद्ध हो गए हैं, इसका कारण अबुल फजल है। अबुल फजल ही उनको आइडिया देता है, सलाह देता है, तुम्हारे खिलाफ़ भड़काता है। और वो लोग ये भी सलाह देते हैं, अगर तुम बादशाह के ऊपर आक्रमण कर देते हो, आगरा में आक्रमण कर देते हो, तो तुम बादशाह से नहीं जीत पाओगे, क्योंकि बादशाह अभी तक कोई युद्ध नहीं हारे हैं। और वो लोग ही उसको सलाह देते हैं कि तुम जो है अबुल फजल को ही रास्ते से हटा दो, अगर अबुल फजल नहीं रहेगा तो बादशाह को भला कोई क्या सुझाव देगा। तो सलीम को बात ठीक लग जाती है और सलीम का एक दोस्त होता है, उसका एक साथी होता है वीर सिंह बुंदेला। ये बोलता है कि जो अबुल फजल है हमारे ही राज्य से होकर के गुजरेगा, तो हम जो है उसको वहीं निपटा लेंगे। और जब अबुल फजल दक्षिण से वापस आगरा आ रहा होता है, तो रास्ते में वीर सिंह बुंदेला सलीम के आदेश पर अबुल फजल की हत्या करवा देता है। जब अकबर को इस बारे में पता चलता है कि सलीम द्वारा अबुल फजल की हत्या कर दी गई है, तो वो बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाता है, क्योंकि जो अबुल फजल है अकबर का बहुत ज़्यादा प्रिय था। तो अब वो जो है अकबर विचार करने लगता है कि सलीम को वो कठोर दंड देगा, उनको कोई सलीम को कोई सख्त सजा देगा। लेकिन जो सलीम है वो जो है अकबर के सामने उपस्थित हो जाता है, आगरा में उपस्थित हो जाता है। और यहाँ पर सलीमा बेगम का नाम याद रखेंगे। सलीमा बेगम कौन थी? अकबर की पत्नी थी, जो कि पहले बैरम खां की पत्नी हुआ करती थी, बैरम खां की विधवा थी। तो जो सलीमा बेगम है, दोनों पिता पुत्र के मध्य मध्यस्थता का काम करती है। अकबर जो कि सलीम को कठोर दंड देना चाहता है, तो सलीमा बेगम किसी तरह से अकबर को समझाती है कि ये आपका बेटा ही है। और इस समय तक ना अकबर के जो बाकी दूसरे बेटे होते हैं, चाहे मुराद हो चाहे दानियाल हो, उन सब की मृत्यु हो चुकी होती है। तो अकबर कहीं ना कहीं फिर सलीमा बेगम की बात मान जाता है। सलीमा बेगम सलीम को भी समझाती है कि अपने पिता के विरुद्ध ऐसे काम मत किया करो। तो सलीमा बेगम की मध्यस्थता के कारण सलीम और अकबर के बीच जो है फिर से एक बार पैचअप हो जाता है और दोनों के बीच संबंध कुछ समय के लिए ठीक ठाक रहता है। इसी बीच 1603 में क्या होता है, 1603 में अकबर वो सलीम को आदेश देता है कि तुम मेवाड़ को जीतने जाओ। मेवाड़ वही महाराणा प्रताप वाला मेवाड़, हल्दी घाटी का युद्ध। अकबर उसको अंतिम समय तक जीत ही नहीं सका था, तो अभी भी वो लगा हुआ है किसी प्रकार से मेवाड़ पर अधिकार किया जाए। तो सलीम को आदेश देता है कि एक सेना लेके जाओ, मेवाड़ पर चढ़ाई कर दो। लेकिन सलीम जो है मेवाड़ न जा करके सीधे पहुँच जाता है इलाहाबाद। और इलाहाबाद जाकर क्या करता है, फिर से वही काम, मतलब अकबर के खिलाफ काम, मतलब कि अकबर जो पसंद नहीं करता है वही चीज़ें, एक स्वतंत्र शासक के समान व्यवहार करने लगता है। साथ ही साथ दारू पीना, अफीम खाना, लड़कीबाजी, इन सब चक्करों में वहाँ इलाहाबाद में वो पड़े रहता है। अब अकबर परेशान हो जाता है और वो किसी स्थायी हल को खोजने का प्रयास करता है। मतलब देखो, उसका भी उम्र हो रहा है और उसकी जो तबीयत है अब ठीक नहीं रहती है, तो वो सोचता है कि कुछ ना कुछ तो अब करना ही होगा। सलीम वो हाथ से निकलता जा रहा है। तो अब यहाँ पर अकबर विचार करता है कि सलीम का जो बड़ा पुत्र है जिसका नाम था खुसरो, मैंने बताया था कि खुसरो मानबाई जो कि सलीम की सबसे बड़ी रानी थी, उसके गर्भ से उत्पन्न हुआ था खुसरो। और वो जो है इस समय
काफी बड़ा हो चुका था, तो अकबर विचार करता है, मतलब कि अपने खास दरबारियों के साथ तो विचार विमर्श किया होगा, क्या सलीम के स्थान पर खुसरो को शासक बनाया जा सकता है, उत्तराधिकारी बनाया जा सकता है, तो ये विचार ही चल रहा होता है। और यहाँ पर खुसरो के मामा राजा मानसिंह और खुसरो का ससुर मिर्जा अजीज कोका, ये लोग भी जो है इसका समर्थन करते हैं, क्योंकि उनके अपने को बनाया जा रहा है बादशाह। हालांकि राजा मानसिंह उसका जीजा है सलीम, लेकिन पियक्कड़ हाथ से निकल रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं चाह रहा होता है कि खुसरो को ही बनाया जाए। अब ये चीज़ जब सलीम को पता चलती है कि उसके स्थान पर उसके बेटे को उत्तराधिकारी बनाए जाने की चर्चा चल रही है, तो वो भी थोड़ा सा क्रोधित हो जाता है और वो बहाने खोजना चालू कर देता है, किसी प्रकार से आगरा जाया जाए, पिता से माफ़ी मांगा जाए और उसके पिता उसको माफ़ कर देंगे, ऐसा उसको लगता भी था। तो इसी बीच क्या होता है, सलीम की दादी हमीदा बानू बेगम, मतलब कि अकबर की जो माता थी हमीदा बानू बेगम, उनका मृत्यु हो जाता है, कब, 1604 में। तो सलीम जो सलीम है वो फिर 1604 में अपनी दादी की मृत्यु का समाचार सुनकर के आगरा आता है, और आगरा आने पर अकबर द्वारा उसको फिर से माफ़ कर दिया जाता है। हालांकि इसके बाद सलीम ने किसी प्रकार की कोई विद्रोहात्मक कार्यवाही नहीं की। हाँ, इस बीच अकबर ने क्या किया, उसके शराब की आदत, अफीम की आदत को छुड़वाने के लिए थोड़ा प्रयास किया, उसने अपने जो मतलब सलीम के सेवक हैं उनको आदेश दिया कि इसको जो है शराब न दिया जाए, अफीम न दिया जाए, ताकि उसकी स्थिति में सुधार आ सके, क्योंकि उस दारू पी पी के उसका दिमाग भी खराब हो रहा था, उसका शरीर भी खराब हो रहा था, लेकिन दारू अफीम नहीं मिलता है तो इससे भी उसका शरीर जो है खराब होने लगता है। अब इसी बीच क्या होता है, समय आता है अक्टूबर 1605 क्या हुआ था, अक्टूबर 1605 में अकबर बुरी तरह से बीमार हो जाता है और उसके बचने के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे होते हैं। तो अब जो है बिल्कुल क्या कहते हैं, फुसफुसाहट चालू हो जाता है कि बादशाह जो है अब कभी भी अल्लाह के पास जा सकते हैं, कभी भी उनका इंतकाल हो सकता है। अब जैसा कि विचार चल रहा था कि खुसरो को बादशाह बनाया जाए, अगला बादशाह या फिर अकबर का उत्तराधिकारी, तो यहाँ पर जो राजा मानसिंह हैं, मिर्जा अजीज कोका हैं, वो लोग प्रयास करना शुरू कर देते हैं। लेकिन क्या होता है, जो सलीम है वो जो है इस बीच अकबर के सामने उपस्थित हो जाता है, अकबर जो कि मृत्युशैया पर लेटा हुआ है, एक प्रकार से माफ़ी मांगने के लिए बिल्कुल रोता होगा, गिड़गिड़ाता होगा कि मैं गलती कर रहा था इस टाइप से। तो जो अकबर है वो मृत्युशैया में पड़ा हुआ है, अक्टूबर में बिल्कुल मरने वाला है, तो वो जो है सलीम को माफ़ कर देता है उसकी सारी गलतियों को, उसने अबुल फजल की हत्या की थी, अपने नाम के सिक्के ढलवाए थे, अकबर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया था, जागीरें बांटी थी, तो उसकी सभी गलतियों को माफ़ करते हुए उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है, अपनी पगड़ी उसको सौंप देता है, साथ ही साथ अपना जो शाही कटार होता है वो भी सलीम को दे देता है और घोषित करता है कि मेरे इंतकाल के बाद सलीम मुगल वंश का अगला बादशाह होगा। अब इसके बाद अकबर की मृत्यु हो जाती है, अलग अलग डेट मिलता है, कहीं पर 17 अक्टूबर 1605, कहीं पर 24-25 अक्टूबर 1605, तो कहीं पर 27 अक्टूबर 1605। और जब उसकी मृत्यु हुई, मृत्यु के कुछ समय पहले ही उसने सलीम को अपना उत्तराधिकारी चुना था, तो अकबर की मृत्यु के बाद सलीम को मुगल वंश का अगला बादशाह घोषित कर दिया जाता है। इसके राज्याभिषेक के समय इसका जो नाम था, देखिए उस समय के जो बादशाह होते थे, जो शासक होते थे, चाहे हिंदू शासक हो चाहे मुस्लिम शासक हो, उनका असल नाम भले ही कुछ हो, लेकिन जब उनका राज्याभिषेक होता था तो उस समय वो जो है लंबे लंबे महान महान टाइप के नाम धारण करते थे। जैसे कि जो सलीम है, उसने राज्याभिषेक के समय उसका क्या नाम था, नूरुद्दीन मुहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। जैसे कि अकबर, इसका जो नाम था जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर, इस टाइप से, तो ऐसे ही, तो इसका पूरा नाम याद रखेंगे, नूरुद्दीन मुहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। इस नाम से ये जो है मुगल वंश का अगला शासक बनता है, गद्दी पर बैठता है या फिर राज्याभिषेक होता है, कुछ भी कह लो। तो इस प्रकार से अकबर का अंत हो जाता है और मुगल वंश का अगला शासक बनता है जहांगीर, ये जहांगीर के नाम से अधिक प्रसिद्ध होता है। इसके बाद जैसे ही इसका राज्याभिषेक होता है तो इसने अपने पिता की भांति उदार एवं सहिष्णु नीति का अनुसरण किया। जैसा अकबर था वो उदार था, धर्म के प्रति बिल्कुल
सहिष्णु था, तो बिल्कुल वैसे ही नीति वो चलाता है। और इसके दरबार में जो भी हिंदू होते हैं, जो भी मुसलमान होते हैं, मतलब कि सरदार हो गए, दरबारी हो गए, अमीर हो गए, उन लोगों को संतुष्ट करने का प्रयास करता है। इसके अलावा वो जो है जनता के ऊपर अच्छा मैसेज जाए इस टाइप के काम भी करता है, जैसे कि कई सारे कैदियों को कारागार से मुक्त करवा देता है, बहुत सारे औषधालयों का निर्माण करता है, मतलब कि दवाखाना जो मेडिकल स्टोर उसका वो स्थापना करवाता है, साथ ही साथ सरायों का स्थापना करवाता है, सराय मतलब जो सड़क के किनारे जो होटल होते हैं, विश्राम गृह, उसका वो निर्माण करवाता है ताकि वो जनता को भी खुश कर सके। इसके अलावा वो एक और काम करता है राज्याभिषेक के कुछ समय बाद ही, न्याय की जंजीर। न्याय की जंजीर क्या थी, जो सलीम है ना, ये अपने आप को न्याय प्रिय सिद्ध करना चाहता था, तो इसके लिए ये क्या करता है, अपने राजमहल के बाहर एक न्याय की जंजीर लगवाता है, सोने की एक जंजीर में घंटी बांध दिया जाता है जो कि राजमहल के प्रवेश द्वार में लगाया जाता है। और सलीम आदेश जारी करता है कि जिस भी व्यक्ति को न्याय चाहिए वो इस न्याय की जंजीर को बजाए और उसको जो है न्याय मिल जाएगा, ऐसा वो बोलता है जनता के ऊपर, जनता को ये दिखाने के लिए कि सलीम जो है कितना बड़ा न्यायप्रिय शासक है। हालांकि इतिहासकार ये कहते हैं कि कभी भी किसी ने भी न्याय की जंजीर का उपयोग नहीं किया, मतलब कि न्याय की जंजीर में जो घंटी बजी थी कभी भी उसे किसी ने नहीं बजाया था, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ को भी। एक और चीज़ याद रखिएगा कि अकबर के समय के जो सरदार थे, जो दरबारी थे, उनको भी संतुष्ट करने के लिए सलीम ने उनको उनके जो पहले के पद थे या फिर कई सारे को बड़े बड़े पद भी दिए ताकि वो भी संतुष्ट रहें और अपना जो अनुभव है वो सलीम के लिए उपयोग करें। अकबर के समय में जो भी थे तो उनको भी उसने संतुष्ट किया। अच्छा, ये जो है ना वीर सिंह बुंदेला, जिसने सलीम के कहने पर अबुल फजल की हत्या की थी, इसको 3,000 घुड़सवारी सेना का सेनापति नियुक्त कर दिया, जिसने सलीम का साथ दिया था। तो ये सारा कुछ याद रखिएगा सलीम के प्रारंभिक जीवन के बारे में, उसका राज्याभिषेक किन परिस्थितियों में हुआ। आने वाले वीडियोस में हम लोग पढ़ेंगे सलीम के बारे में दूसरी और महत्वपूर्ण चीज़ें, जैसे कि सलीम के 12 अध्यादेश, नूर जहाँ के बारे में, सलीम के विजय अभियान मतलब जहांगीर के विजय अभियान, उसने अहमदनगर को जीता था, मेवाड़ को जीता था, सारा कुछ आने वाले वीडियोस में हम लोग पढ़ेंगे। मैं माफी चाहूंगा, मेरा जो आवाज है थोड़ा सा खराब आ रहा होगा क्योंकि सर्दी हो गया है, थोड़ा सा आवाज सही नहीं बन पा रहा है। तो वीडियो यही समाप्त होता है। अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।